बिकॉज वी हैव ए बिग ब्रेकिंग अपडेट. मंत्री को चीफ मिनिस्टर का पोस्ट ऑफर किया था. देखिए, ये विपक्ष के तरफ से कहा गया था, जब आरजेडी ने ये कोशिश जरूर की थी, जो जानकारी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आरजेडी की ये कोशिश थी कि जीतन राम मांझी, चूंकि चार विधायक उनकी पार्टी के हैं, तो ऐसे में आरजेडी ये चाह रही थी कि उनको ऑफर किया जाए, डिप्टी सीएम उनके बेटे जो संतोष सुमन है उनको ऑफर किया जाए, और उसके बदले जो चार विधायक का समर्थन है वो आरजेडी कोशिश कर रही थी कि उनके पाले में आए. लेकिन जो हम जीतन राम मांझी हो चाहे उनकी पूरी पार्टी हो, वो इन खबरों का खंडन कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि एनडीए के साथ हम इंटैक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी बात आरजेडी से चल रही है, कुछ बातें हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है. यानी कि जो जीतन राम मांझी है और उनकी पार्टी है, उन्होंने इन तमाम खबरों का खंडन कर दिया है. लेकिन राजनीति में कुछ भी कहना जल्दबाजी होता है, जब तक सब कुछ सामने नहीं आता कुछ भी कह पाना थोड़ी देर के लिए तो मुश्किल जरूर है जी. All right, Saket, thank you so much for joining us and bringing us those very important details. Remember, important source-based information is that Nitish Kumar will be taking oath as the Chief Minister tomorrow at 4 p.m. and that he's going to tender his resignation today to the Governor at 7 p.m. With this, we'll be heading into a very short